जयपुर के सांगनेर के गांव दादिया को पूरी तरह से जैविक बनाने के लिए भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ ने एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें सांसद रामचरण बोहरा, दादिया की सरपंच गीता चौधरी और गांव के कई अन्य किसान भी उपस्थित रहे। तो वहीं भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के महासचिव सुनील सुशीला शर्मा ने जैविक खेती के महत्व को समझाया, जबकि संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल गुप्ता ने भरोसा दिलाया कि खेत में बुवाई से लेकर के बाजार में उत्पाद को बेचने तक हमारा संगठन किसानों के साथ रहेगा। इसी बीच लगभग सभी किसानों ने अगली फसल को जैविक विधि से करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट की मोनिका गुप्ता, संगीता गौड़, सनराइज हर्बल के प्रशांत चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ का किसानों के साथ मीट कार्यक्रम रखा गया। डॉक्टर अतुल गुप्ता जी और उसकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने एक बहुत अच्छा किसानों के हित के लिए और जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि किसानों की आय 2022 तक डबल हो, तो आज ये आने के बाद भी मुझे विश्वास होने लगा है कि अगर किसान ढंग से खेती करे और बड़ा तन्मयता के साथ अपनी लगन के साथ खेती करे तो उसकी आमदनी डबल हो सकती है। केवल वो जिस प्रकार से गेहूं और जौ में ही उस पर आधारित रहता है, वो जो गेहूं ही नहीं बाए, जिस प्रकार से हमें और दूसरी चीज़ें बोने से उसका इमीडिएट लाभ मिल सकता है, तुरंत लाभ मिल सकता है, ऐसी खेती का करने का हम काम करें। और आज यहाँ पर देखने के बाद कई प्रकार के जो औषधीय प्रोडक्ट हैं, उन औषधीय प्रोडक्टों का भी यहाँ पर हमने डेमोंस्ट्रेशन देखा है। तो औषधीय हम उसको डेवलपमेंट प्रोडक्शन लेना चाहें तो मैं समझता हूँ किसान अच्छी पैदा कर सकता है, अपने उसको बीज देने के लिए ये तैयार हैं, उसको वापस खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर बाज़ार में उसका पैसा इनसे भी अच्छा मिलता है तो वो वहाँ पर बेचे, अगर बाज़ार में उनसे कम पैसा मिलता है तो ये खुद खरीदने को जो इन्होंने तय किया है उस पर खरीदने को तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि औषधीय खेती करने से, चाहे वो हमारी धोली मूसली हो, चाहे हमारा जो गोखरू पैदा होता है, गोखरू का भी यहाँ पर देखा है, तुलसी का भी यहाँ पर देखा, हमारे चिया सीड का भी हमने देखा, और कई प्रकार के यहाँ पर हजारों वैरायटी का यहाँ पर उन्होंने एक उनके जूस के माध्यम से भी यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन कर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार की जो कई प्रकार की जो बीमारियाँ होती है, उन बीमारियों से हमारी औषधीय खेती के माध्यम से हम बचा जा सकता है।